good morning students welcome to worksheet number 66 we are starting a new topic today probability and introduction this is also not a new topic to you you have studied it from class 7 and many of the terms you are familiar with and you have been doing these questions from class 7 so it is very easy topic

अपनी इस तरह की बात भी सुनी होगी प्रॉबली देर विल बी नो पोल्यूशन टूमारो शायद कल प्रदूषण ना रहे प्रदूषण कम हो जाएगा बारिश हुई है अब प्रदूषण नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें चांसेस की हैं जहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है लेकिन मैथमेटिक्स में इन अनसर्टेन सिचुएशंस को भी होने को ना होने को हैपनिंग नॉन हैपनिंग को हम मेजर कर सकते हैं और इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है प्रोबेबिलिटी इट इज़ द न्यूमरिकल वैल्यू गिवन टू द अनसर्टेनिटी इज इट इंटरेस्टिंग कि हम प्रॉबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट या नॉट हैपनिंग यान इवेंट को भी हम मेजर कर सकते हैं मैथमेटिक्स में तो यहाँ पर आप कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हो जैसे ट्रायल वर्ड को आउटकम वर्ड को और इवेंट वर्ड को ट्रायल का मतलब क्या होता है ट्रायल का मतलब डूइंग एन एक्शन कुछ भी जो आप काम कर रहे हो लाइक टॉसिंग ऑफ अ कॉइन या थ्रोइंग अ डाइस ये आपका ट्रायल है और जो उसका रिजल्ट आया उसको हम आउटकम बोलते हैं और जो भी वो इवेंट्स हैं सारे कलेक्शन ऑफ सम ऑफ़ द आउटकम्स ये जो इवेंट आउटकम्स uh, को आप सबको कलेक्ट कर लेते हो एक जगह ये आपका इवेंट होता है इस फॉर्मूले को आपने पहले भी किया है जब हम किसी इवेंट को इवेंट यानी ई की प्रॉबिलिटी को मेजर करते हैं किसी इवेंट की प्रॉबलिटी को मेजर करते हैं तो हम पी ई e लिखते हैं ठीक है और इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स जो भी आप निकालना चाह रहे हो उसमें फेवरेबल क्या है और डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स जितने भी टोटल आउटकम्स थे ठीक है अब इसके अंदर आप एक ये चीज़ याद कर लीजिए कि कोई इवेंट अगर हो रहा है तो पी ई लिखते हैं कोई इवेंट अगर नहीं हो रहा है तो पी ई बार करके लिखते हैं बार इसको नोट करो नॉट हैपनिंग एन इवेंट इज़ ई बार इसको ई e बार करते हैं और इसको हम इससे कैलकुलेट करते हैं ई बार को वन माइनस पी ई ठीक है तो इसका मतलब हो गया कि हैपनिंग एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग एन इवेंट इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा वन आएगा ठीक है ये आपको ये ध्यान रखना चाहिए कई बार हम इसको यूज़ करते हैं क्लास टेंथ में कई क्वेश्चन इसके भी रहते हैं प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट आइए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं हम प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी लेस देन वन कभी भी वो लेस देन ज़ीरो नहीं हो सकती एंड ग्रेटर देन वन नहीं हो सकती प्रॉबलिटी ज़ीरो से एक के बीच में होती है कभी लेस देन ज़ीरो नहीं हो सकती एंड ग्रेटर देन वन नहीं हो सकती यानी प्रॉबलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ऑलवेज लाइंग बिटवीन ज़ीरो वन एंड ज़ीरो सम ऑफ द प्रॉबिलिटीज़ ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स और पॉसिबल इवेंट्स ऑफ अर ट्रायल इज़ ऑलवेज इक्वल टू वन इसको भी मैं समझाऊंगी तुम्हें द इवेंट दैट कैन हैपन इज इम्पॉसिबल इवेंट जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है और उसकी प्रॉबलिटी जीरो होती है जैसे मैं बोलूँ टमारो सन विल राइज़ फ्राम द वेस्ट तो आपको पता है कि सन कैन नॉट राइज़ फ्रॉम द वेस्ट वो ईस्ट से ही हो सकता है तो उसकी प्रॉबलिटी ज़ीरो हो जाएगी इवेंट दैट इज़ सटेन टू हैपन जो पक्का होगा वो पॉसिबल इवेंट है तो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट ऑल्सो सर्टेन टू हैपन श्योर इवेंट ऑल्सो द प्रोबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट इज़ वन ठीक है श्योर sure इवेंट sure sure करके बोलना चाहिए सो दैट इज़ वन जैसे अब मैं बोलूँ सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट ये तो पक्की बात है सो so उसकी प्रॉबिलिटी वन होगी एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे एक बैग है जिसमें फोर्टीन पिंक बॉल्स हैं इलेवन ब्लू बॉल्स हैं और फिफ्टीन येलो बॉल्स हैं तो प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग पिंक uh, बॉल को ई वन से दिखा दीजिए ब्लू बॉल को ई टू से दिखा दीजिए और येलो बॉल को ई थ्री से और ई फोर हमने रख दिया रेड बॉल के लिए ठीक है अब आप देख रहे हो यहाँ पे रेड बॉल तो है ही नहीं तो ई फोर तो बिल्कुल नहीं हो सकता तो उसको हम बोलेंगे ज़ीरो ये हो ही नहीं सकता आपका ठीक है तो अगर हम प्रॉबलिटी ऑफ गेटिंग पिंक बॉल निकालें तो वो आपकी क्या होगी पिंक बॉल है फोर्टीन फोर्टीन अपॉन फोर्टी इसी तरह ब्लू बॉल्स को निकालें तो इलेवन अपॉन फोर्टी और येलो बॉल्स निकालें तो फिफ्टीन अपॉन 40। तो दोनों को जब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो जीरो पॉइंट थ्री फाइव यहाँ पर भी जीरो पॉइंट थ्री फाइव ये जो भी नंबर्स आ रहे हैं ऑल और नॉट जीरो पॉइंट थ्री फाइव फॉर्म में कुछ गड़बड़ किया है लेकिन जो भी है बच्चों ये हमेशा वन से कम होगा हमें लग रहा है कि ये वन से ज़्यादा है लेकिन ये वन से कम होगा इवेंट ठीक है और इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आप देख रहे हो फोर्टीन प्लस इलेवन प्लस फिफ्टीन तीनों को ऐड कर लो नमिनेटर्स में डिनोमिनेटर तो सेम ही है आपका तो ये आपका आएगा फोर्टी बाय फोर्टी और फोर्टी बाय फोर्टी क्या होता है वन तो ये जो मैं अभी सेकेंड पॉइंट आपको बता रही थी कि सम ऑफ द प्रॉबलिटीज़ ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स इज इक्वल टू वन तो सारे इवेंट्स को आपने पॉसिबल इवेंट्स को ऐड कर लिया इसके ट्रायल्स को तो ये आपका वन आ गया इस इवेंट के अंदर जितनी भी आउटकम्स थे उन सबको ऐड किया तो वन आए इसका मतलब ये होता है और जो इवेंट आप ये ये दे रहे हो आउटकम इसको निकालना चाह रहे हो ई फोर को तो प्रॉबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट ई फोर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें रेड बॉल है ही नहीं तो इसकी प्रॉबिलिटी होगी जीरो जीरो बाई फोर्टी जीरो सो ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम द बैग इसको हम बोलेंगे ट्रायल किया हमने एक कोई भी बॉल जो हम बैग से निकाल रहे हैं ठीक है ये आपका ट्रायल हुआ ये आपका प्रयोग प्रयोग हुआ जो भी आपने काम किया फिर बॉल किस तरह की आई है ये उसका आउटकम हो गया ये उसका रिजल्ट हुआ आउटकम ऑफ द ट्रायल फिर बॉल आप किसी भी कलर की जो निकाल रहे वो हो वो उसके इवेंट हो गए अलग अलग जैसे ये अलग अलग इवेंट्स हो गए पिंक ब्लू येलो बॉल्स और रेड कलर की बॉल निकालना इम्पॉसिबल इवेंट है ठीक है अब सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए ना अब हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं जैसे है लिस्ट ऑल द आउटकम्स ऑफ चूजिंग अ डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद लेटर डब्ल्यू लेटर डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले सब आउटकम्स देखो चूजिंग अ डे ऑफ अ वीक एक वीक के दिन निकालने आपको और लेटर डब्ल्यू से शुरू हो रहा हूँ तो वीक के सारे डेज हम लिख लेते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो उसमें वेडनेसडे कहाँ आ रहा है डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला एक ही है तो हम बोल सकते हैं वन है आउट ऑफ टोटल सेवन सेवन डेज़ टोटल है टोटल नीचे लिखो ऊपर फेवरेबल आउटकम लिखो जो फेवरेबल आपका वेडनेसडे वाला है तो ये आपका ऐसा हो गया टोटल डेज आपको पता ही है वीक में सेवन होते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए वट टाइप ऑफ इवेंट इज इट इज टू परचेज अ कार फ्रॉम अ बाइक शोरूम बाइक शोरूम से कार निकालना टू फाइंड अ कार इन अ बाइक शोरूम इज इम्पॉसिबल ये हो ही नहीं सकता सो so, इसकी प्रॉबलिटी जीरो हो गई प्रॉबलिटी ऑफ गेटिंग अ कार फ्रॉम अ बाइक शोरूम इज जीरो ओके नेक्स्ट देखिए रवि और दीपक ये गेम खेल रहे हैं प्रॉबलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय दीपक दीपक के जीतने की प्रॉबलिटी सेवन बाय नाइन है तो रवि के जीतने की प्रॉबिलिटी निकालो अब आप देखो रवि के जीतने का मतलब है दीपक नहीं जीता दीपक की प्रोबेबिलिटी दे रखी है सेवन बाय नाइन और दीपक के ना जीतने की हुई वन माइनस सेवन बाई नाइन ये फॉर्मूला आपका यूज हो गया ना जो हम अभी बात कर रहे थे ये वाला ये आपका यूज़ हो गया ठीक है सो तो अब आप इसको यूज़ करोगे तो ये आपको आता ही है ना सब करना बच्चों अब तो बहुत दिन हो गए ना ये सब चीज़ें क्लियर हो गई है ना ऐसे करके निकालते हैं नाइन माइनस सेवन बाई नाइन और ये टू बाई नाइन आता है अब आप इसको डायरेक्ट कर पाते हो ना यू आर क्लास सेवन क्लास टेन स्टूडेंट्स तो सीधा ऐसे करके ठीक है ना नीचे का डिनोमेटर सेम होनी चाहिए और ये आपको फ्रैक्शनल नंबर्स का डिफरेंस और एडिशन करना आना चाहिए नहीं आता तो क्लास सेवन के और क्लास सिक्स की वीडियोज़ आप देखिए ठीक है ये आपको फास्ट करना आना चाहिए तो ये आपका वहाँ फार्मूला यूज़ हो जाएगा रवि की विनिंग द गेम दीपक विनिंग द गेम इज सेवन बाई नाइन तो रवि विनिंग द गेम विल बी वन माइनस सेवन बाई नाइन और रवि विनिंग द गेम फिर आपका कितना आ जाएगा टू अपॉन नाइन दिस विल बी योर आंसर नेक्स्ट है आपका द प्रोबलिटी वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन किससे कम होती है वन एंड ग्रेटर देन जीरो यहाँ वन और यहाँ जीरो प्रॉबलिटी ऑफ हरजिंदर्स बर्थडे टू बी अ प्राइम नंबर इन द मंथ ऑफ अगस्त अगस्त के महीने में कितने दिन होते हैं बच्चों इकतीस दिन होते हैं ना थर्टी वन डेज अब इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से आते हैं प्राइम नंबर्स वो देखिए बच्चों जिसके जिसके सिर्फ टू ही फैक्टर्स होते हैं जैसे आप ये देखो टू नंबर है वन को हम ना प्राइम मानते ना हम इसको कंपोजिट मानते टू वन के टेबल में आता है टू के टेबल में आता है थ्री जो है वो वन के टेबल में आता है थ्री के टेबल में आता है फोर वन के टेबल में भी आता है टू के टेबल में भी आता है थ्री के टेबल में भी आता है तो जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और वन के टेबल में आता है वो प्राइम नंबर होता है तो फोर आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता बिकॉज इसके इसके कितने फैक्टर्स हैं वन टू एंड फोर थ्री फैक्टर्स हो गए ये मैंने फो थ्री गलती से लिख दिया था वन टू एंड फोर तो जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो गए वो आपका क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा तो हमें प्राइम नंबर ढूंढने ऐसे तो आप देखिए टू हो गया थ्री हो गया नेक्स्ट नंबर फाइव होगा फिर सेवन होगा प्रॉबिलिटी इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन फोर का आंसर अगस्त मंथ एज थर्टी वन डेज प्राइम नंबर्स विल बी टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन थर्टी वन आप देखिए ये किसी और टेबल में आते हैं किसी के टेबल में नहीं आते सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और वन के टेबल में तो सब कुछ आता है तो टोटल डेज इलेवन हो गए प्राइम नंबर होना कम अगस्त में इसी में हर जिनता का बर्थडे हो सकता है तो फेवरेबल डेज हमारे पास ट्वेंट इलेवन डेज़ हुए और टोटल डेज़ हुए थर्टी वन सो ये आपका कंप्लीट हो गया ठीक है बहुत आसान था ना एक बार जल्दी से एक दो चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी पी ई होती है किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी पी ई बार होती है तो जैसे आपको पी ई बार निकालना हो तो आप इसको वन माइनस पी ई करके निकाल सकते हो और आप बोल सकते हो इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे इसको इधर ले आओगे तो प्रॉबलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग एन इवेंट इज़ इक्वल टू वन और कोई इवेंट जो बिल्कुल नहीं होगा उसकी प्रॉबिलिटी होती है जीरो और कोई इवेंट जो पक्का होगा श्योर sure इवेंट उसकी प्रॉबिलिटी होती है वन और ये इम्पॉसिबल इवेंट की प्रॉबिलिटी होती है ज़ीरो और उसके बीच वाले में सारी जो सर्टेन अनसर्टेन हमारी जो है वो सब सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी ये सब इसके बीच में लाइक करती है जीरो और एक के बीच में ठीक है सो हम इसको वीडियो को यहीं ओवर करते हैं बच्चों इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ये टॉपिक मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है इसमें बच्चे बहुत स्कोर कर सकते हैं बिल्कुल एक फ्री फंड के मार्क्स मिल जाते हैं इसमें और बहुत ही इंटरेस्टिंग डे टू डे लाइफ से और ओनली मैथमेटिक्स ही ऐसी ब्रांच है बच्चों जो इस सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को भी मेजर करती है इजेंट इट इंटरेस्टिंग है ना ठीक है बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में टिल देन टेक केयर बाय बाय